कोरोना काल में भी राजनीति का रंग छूटते नहीं छूट रहा है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का साया कोरोना से लड़ने के लिए बुलाई जाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों पर लगातार दिखने लगा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण को लाइव कर दिया था, जिसमें राजनीति देखी गई थी। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे मन की बात करार देकर तंज किया था। अब ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर ही राजनीति का खाड़ा खोल दिया है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों की बैठक में ममता ने अपने राज्य के 24 परगना जिले के जिला अधिकारियों को बोलने से रोक दिया। ममता के आचरण को सर्वनाक, निंदनीय और अशोभनीय बताते हुए भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को 10 राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसी कड़ी में वह गुरुवार को भी 10 अन्य राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के मूल स्वरूप में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्रियों के अनुरोध के बाद उन्हें शामिल किया गया। मुख्यमंत्रियों का कहना था कि किसी जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे बेहतर काम से अन्य जिलों को लाभ मिलेगा और बैठक का मूल उद्देश्य भी यही था। जिलाधिकारियों के साथ सीधे संवाद में मुख्यमंत्री को बोलने के लिए समय नहीं था। मंगलवार को सभी मुख्यमंत्रियों ने इसका पालन किया था और गुरुवार को भी ममता को छोड़कर किसी अन्य मुख्यमंत्री ने बोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन लंबे समय बाद कोरोना पर बैठक में भाग लेने आई ममता बनर्जी ने बैठक को कोरोना के खिलाफ साझा लड़ाई के बजाय राजनीतिक लड़ाई का खड़ा बनाना पसंद किया। मालूम हो कि बंगाल में जीत के बाद से ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। खुद कांग्रेस के अंदर एक गुट से धार दे रही है, ऐसे में ममता के तेवर को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार ममता बनर्जी बैठक को असफल बनाने के उद्देश्य से ही आई थी। इससे पहले ममता प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग लेने से कतराती रही हैं। यहां तक कि कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को लेकर 17 मार्च को बुलाई गई बैठक में भी ममता ने भाग नहीं लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठकों का ममता द्वारा बहिष्कार के आंकड़े देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 2014 में आधारभूत संरचना को लेकर बुलाई गई बैठक, भूमि अधिग्रहण कानून पर 2015 में बुलाई गई बैठक, 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक और इस साल वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में भी ममता ने भाग नहीं लिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि देश के प्रधानमंत्री यदि जिला अधिकारियों के अच्छे कामों की जानकारी ले रहे हैं तो ममता इससे क्यों भड़क रही हैं? पहले केवल मुख्यमंत्री के साथ बैठकें होती रही हैं और उससे सभी को बोलने का अवसर मिलता है। बैठक में बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कोरोना वायरस को बहुरूपीय और धूर्त करार देते हुए कहा है कि यह अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, जो बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाला है। इससे निपटने के लिए उन्होंने नई रणनीति और नए समाधान की आवश्यकता पर बोल देते हुए आगाह किया है कि जब तक यह छोटे स्तर की विद्यमान है, चुनौती खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने जिला अधिकारियों से अपने अपने जिलों में कोरोना के आंकड़े जुटाने को कहा ताकि भविष्य में काम आ सके। मोदी ने कहा है कि निकट भविष्य में टीकों की आपूर्ति आसान होगी और इससे टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने टीकों की बर्बादी रोकने पर भी जोर दिया है और कहा है कि एक भी खुराक व्यर्थ जाने का मतलब है कि किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश में सक्रिय मामलों में कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन चुनौतियां तब तक है जब तक छोटे रूप में भी यह संक्रमण बना रहता है। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों को शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने को कहा। मोदी ने कहा है कि नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का उपाय है।
उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि जब आंकड़े कम होने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद सावधानी बरतनी ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाने रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, कालाबाजारी पर रोक जैसे उपाय इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है। आपको बता दें, ममता बनर्जी इससे पहले भी पीएम मोदी को कई बार चिट्ठी लिख चुकी है और हमेशा मोदी पर आरोप लगाती रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया था और कहा कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है, हम 3 करोड़ टीके की मांग रखने वाले थे लेकिन कुछ बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 24 लाख वैक्सीन देने का वादा किया गया था लेकिन सिर्फ 13 लाख वैक्सीन दी गई। वैक्सीन की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा। ममता ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में मांग के मुताबिक वैक्सीन नहीं भेजी, इसलिए टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन निजी स्तर पर खरीदी है। ममता ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं दी गई, पीएम मोदी मुंह छुपाकर भाग गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी मुंह छुपाकर भाग गए हैं। जब कोरोना केस बढ़े तो बंगाल में केंद्रीय टीम ने दौरा किया लेकिन अब गंगा में शव मिलने के मामले सामने आ रहे हैं तो वो टीम नहीं भेज रही है। बंगाल में कोरोना पॉजिटिविटी की रेट कम हुई है, वहीं मृत्यु दर 0.9% है। आपको बता दें, इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, डिफेंस, बैंकों, बीमा, पोस्ट और टेलीग्राफ, कोयला जैसे अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी जब से बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है तब से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रही हैं। अब तक ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को कई चिट्ठी लिख दी है जिसमें अलग अलग मांग रखी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।